चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से इज द एंगुलर एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड हमें बताना है एक पार्टिकल है आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है और यहाँ पे अपने को एंगुलर जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म दी हुई है ठीक है सो so, उस केस में हमें बताना है एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा ना अगर आपका ओमेगा यूनिफॉर्म है सो नो इफ ओमेगा इज कॉन्स्टेंट तो आपका जो एंगुलर एक्सलेशन होता है जिसको लिखते हैं आप डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी हेंस ऑप्शन नंबर टू जीरो वुड बी द राइट आंसर